नगर निगम के उत्पीड़न के खिलाफ निगम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का यह प्रदर्शन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले हुआ। कर्मचारियों ने निगम आयुक्त पर आरोप लगाया कि वो उनसे 12-12 घंटे काम करवाते हैं और समय पर वेतन भी नहीं देते। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष नेम बहादुर ने कहा कि ये प्रदर्शन नगर आयुक्त के उत्पीड़न के खिलाफ किया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारियों और अफसरों से 12-12 घंटे काम करवा रहा है और उनके काम के बदले उन्हें अलग से कोई भत्ता नहीं दे रहा है, जबकि अलग से भत्ता देने का प्रावधान है। संघ अध्यक्ष ने कहा कि अलग से भत्ते की बात तो छोड़िए, निगम तो कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे रहा है। एक कर्मचारी का वेतन 3 महीने से रोका गया, जिस वजह से उसे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। हमारी मांग है कि कर्मचारियों से सिर्फ तय समय के अनुसार ही काम कराया जाए और यदि उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है तो उस हिसाब से उनको अलग से भत्ता भी दिया जाए। कर्मचारियों का इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है कि कर्मचारी हताहत है, और एक दो कर्मचारी नहीं, हमारे नगर निगम में कई अनुभाग हैं। वो अनुभाग है हाउस टैक्स विभाग है, भूमि अनुभाग है, स्वास्थ्य अनुभाग है, विधि अनुभाग है, PWD अनुभाग है, लेखा अनुभाग है। नरे सारे अनुभाग के कर्मचारी जो है इस समय डिप्रेशन में हैं, जबकि नगर आयुक्त महोदय से वार्ता में मेयर के कक्ष में वार्ता हुई थी कि कर्मचारियों को 10 से 5 केवल ड्यूटी ली जाएगी, इसके बाद जो उनको छुट्टी दे दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में 3 महीने से हमारे कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग का इंस्पेक्टर हो, सुपरवाइजर हो, चाहे भूमि विभाग का इंस्पेक्टर हो बाबू हो, हमारा हाउस टेस्ट का इंस्पेक्टर बाबू, आज नोटिस धूप में बांट रहे हैं। ये लोग एसी कमरे में बैठे हुए हैं और कर्मचारी हमारे, इंस्पेक्टर हमारे, बाबू हमारे, सभी काम पे लगे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, इसके बाद भी उनको समय से वेतन नहीं मिलता है। वहीं कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर महापौर सुनील गामा ने कहा कि हम सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही महापौर ने कहा कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान किया जाएगा। कि मेरे पास ये सुपरवाइजर लोग सारे इकट्ठे होकर आए थे और मैंने अपने नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में डाला था इसे, तो कल हमने इनको ले कहा था कि कल आपसे बैठ के बात करेंगे, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। लेकिन आज इन्होंने जो ये आकस्मिक जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं आया, यहाँ आया हूँ, ये जानकारी करता हूँ और प्रयास करूँगा कि जो भी इनकी, हमारी कर्मचारी बंधुओं की जो जायज मांगे हैं उनका समाधान होना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।